दिल से। नाम राजवंश नागल है, हरियाणा भिवानी का रहने वाला हूं। इस बिजनेस में आने से पहले भारतीय सेना का जवान था और आज सेफ शॉप का सीनियर एडवाइजर हूं। आज के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम सक्सेस डे में सभी भाई बहनों बच्चों का मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, हमारे आदर्शों की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी ताली बजाओ दिल खोल के बजाना, एक मिनट, जब भी बजाने का दिल करे, और जब नहीं बजाने का दिल करे तो बिल्कुल मत बजाना, राइट? लेकिन जब भी बजाने का दिल करे तो दो चार मारते हो सॉलिड मारनी चाहिए, ताकि पड़ोसी को भी पता लगे कि बजी है। थैंक यू। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भारतीय सेना में सर्विस की है, और जब मैं भारतीय सेना में सर्विस कर रहा था उसी दौरान मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। जो मेरे ग्रेट सीनियर हैं हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब, मैं चाहता हूं तहे दिल से जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुरू से ही दोस्तों बचपन से ही सपने बड़े थे, सही बताऊं हकीकत तो, और ऐसे परिवार में पैदा हो गया, एक आम किसान परिवार में पैदा हुआ था। पिताजी आर्मी में थे और किसान खेतीबाड़ी भी करते थे, उसी परिवार में मैं पैदा हुआ। और मेरे घर में जो मेरे चाचा जी थे वो आर्मी के ऑफिसर थे, और उनको ही देख करके मैंने अपनी जिंदगी में पला बढ़ा, आगे बढ़ा, तो उनको देख करके मैंने भी अपनी जिंदगी में अपने सपने बड़े बना लिए। और मुझे लगा बचपन से ही कि मैं बड़ा होकर के एक बड़ा आदमी बनूंगा, कामयाब आदमी बनूंगा। इसी सोच को आगे लेकर के बड़ा हुआ, पढ़ाई की, और उसके बाद मैं भारतीय सेना के तकनीकी विभाग में चला गया और वहां जाकर के मैंने सर्विस शुरू कर दी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि काफी कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सर्विस करने वाले हैं या जो सर्विस कर रहे हैं, कृपया करके एक बार अपना हाथ उठाना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपको पता ही है, नौकरी वाला जो इंसान होता है नौकरी में जाता है तो बड़ा खुश होता है, यस या नो? लेकिन जब वो नौकरी करता है, वहां जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नौकरी में जो सपने लेकर के गया था वो सपने तो पूरे हुए नहीं, वहां इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हाँ इतना जरूर है, भूखा नहीं मरा, दाल रोटी बढ़िया चलती रही, नॉर्मल कपड़े पहनते रहे, नॉर्मल जिंदगी चलती रही, लेकिन न तो कभी पैसा इकट्ठा हुआ, न कभी मान सम्मान मिला, न कभी शोहरत मिली, न कोई टाइम की, मतलब हमेशा दिक्कत रहती थी। जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसको पा करके मैं खुश हुआ। तो मुझे एक अभाव लगा कि नौकरी में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, और इसी अभाव की वजह से मैंने अपनी नौकरी करते हुए पार्ट टाइम कभी ना कभी कुछ न कुछ काम करता रहा। जब कुछ काम किए तो किसी काम में कभी थोड़ा बहुत फायदा हो गया और किसी काम में नुकसान हो गया। ऐसे करते करते मेरी जिंदगी आगे बढ़ती रही, और जैसे ही मेरी लगभग 15 साल सर्विस हुई, अचानक मुझे राजस्थान के जोधपुर शहर में जाने का मौका मिला। और जब मैं राजस्थान के जोधपुर शहर में गया तो उस टाइम पर मेरे साथ सर्विस करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखा दिया। और जैसे ही मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा, आपको पता है कि जब भी कोई आदमी प्लान देता है और जब प्रेजेंटेशन देता है तो वो ये समझाता है कि इस बिजनेस में आकर के आपके सपने साकार हो सकते हैं। और उन्होंने मुझे गाड़ी की बातें की, घर की बातें की, सक्सेस होने की बातें की, पैसे होने की बातें की। जब ये बातें मेरे उन्होंने जब मुझे प्लान में समझाया तो मेरी कहीं ना कहीं इच्छा पैदा हुई कि ये जो बिजनेस है अगर इसको किया जाए तो मेरे भी सपने साकार हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं इस बिजनेस में आ जाता हूं, और आने के बाद मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बिजनेस के बारे में, घर के लोगों को बताया। जब मैंने अपने परिवार के लोगों को इसके बारे में बताया, मेरी भाभी जी को जब मैंने बताया तो भाभी जी ने भी मना कर दिया। जब मेरे जो बहुत क्लोज दोस्त थे जो मेरे साथ आर्मी में थे उनको भी मैंने जब बताया, उन्होंने भी मना कर दिया। और जो स्टूडेंट लाइफ के दोस्त थे उनको भी जब मैंने बताया तो उन्होंने भी मना कर दिया। कुछ लोग
जो मेरे साथ सर्विस करते थे उनको भी जब मैंने इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया तो उन लोगों ने भी जब मना करना शुरू किया, और मना तो किया ही किया, साथ में उन्होंने एक बात और बढ़िया सीखी कि मना करने के साथ साथ मुझे सलाह भी देने लग गए और मुझे समझाने भी लग गए कि नागल जी इस काम में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उसी दौरान मेरे जो चाचा जी थे आर्मी से, जो कर्नल से रिटायर्ड हुए थे, उनका फोन आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि बेटा पप्पू, क्योंकि मेरे को घर के अंदर पप्पू बोलते हैं, तो बोला बेटा पप्पू ये जो काम तू कर रहा है ये सब फालतू का काम है, बेटा मैं आर्मी के अंदर ऑफिसर हूं, तू बेटा जवान है, मैंने 3-3 यूनिटें कमांड किए, तेरे जैसे हजारों जवानों को मैंने कमांड किया है, तू तो बेटा फौज का नायक है और मैं फौज का कर्नल हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, तू बर्बाद हो जाएगा और इस बिजनेस से कोई फायदा नहीं है बेटा, और ये हमारे लेवल का भी बिजनेस नहीं है, हमारे जैसे लोग इस बिजनेस को नहीं करते, आप इस काम को नहीं करना। तो दोस्तों जब उनका ये फोन आया, जब ये बातें उन्होंने मुझे समझाई, तो उसको बाद मैं असमंजस की स्थिति में आ गया और वहां पर मुझे लगा कि इस काम को करूं या न करूं, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आई। उसी दौरान मैंने जो मेरे आदर्श हैं उनके पास फोन किया, और जब अपने आदर्श के पास फोन किया, जो अपलाइन है उनके पास फोन किया, तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि सर आप मुझे ये बताएं, क्योंकि जो मेरे चाचा जी हैं वो मुझे मना कर रहे हैं, मेरे दोस्त घर वाले लोग हैं वो सब मना कर रहे हैं, और कोई आदमी भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, आप बताएं मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता सर, काफी मुश्किल काम है ये और घर वाले भी मना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बड़े प्यार से समझाई, बोला नागल जी आपने आज से पहले क्या किया है? मैंने बोला सर सर्विस की है। उन्होंने बोला आपके परिवार के लोगों ने क्या किया आज से पहले? मैं बोला सर उन्होंने भी सर्विस की है, और मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, लगभग सर्विस लाइन से है। तो बोला नागल जी आपके परिवार के लोगों को कैसे पता कि एक बिजनेस में क्या फर्क होता है और सर्विस में क्या फर्क होता है? लेकिन दो नागल जी जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया है, जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया है, कुछ लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया है और कुछ लोगों ने इस बिजनेस को फुल टाइम किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया है, उन्होंने ओम प्रकाश सर का उदाहरण दिया, वो आर्मी में रहते हुए उस बिजनेस को किया और आज बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, गाड़ी है, घर है, बंगला है और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उन्होंने नरसिंह ग्रेवाल जी के बारे में बताया कि वो भी आर्मी में सर्विस करते थे, उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया और एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। और उन्होंने अपने बारे में बताया, नागल जी मैं भी पेशे से इंजीनियर था और मैंने भी इस काम को किया, मैंने शुरू से इस काम को लगभग पार्ट टाइम किया और आज मेरे पास गाड़ी है, अपना मैं घर बना चुका हूं इस उम्र के अंदर। और दोस्त अगर आप भी इस काम को करते हो तो वो समय दूर नहीं होगा कि आप भी इस बिजनेस के अंदर, आपके पास भी गाड़ी होगा, गाड़ी होगी, घर होगा और आपके पास भी पैसे आएंगे। अब आप सोच लें कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। और जब सर ने ये सारी बातें मुझे बताई तो उनके बारे में कुछ सुन भी मैंने रखा था, क्योंकि उनकी गाड़ी भी मैंने देखी थी और मैं उनसे एक्चुअल में मिला नहीं था, सारी बातें मेरी टेलीफोन से होती रहती थी। और उस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम है मिस्टर सुनहरी लाल साहब, एक जोरदार तालियां बजाएं मिस्टर सुनहरी लाल साहब, थैंक यू वेरी मच। जब सर ने मुझे बिजनेस का फर्क और नौकरी के फर्क के बारे में समझाया तो मुझे लगा, और उन्होंने मुझे एक साथ में एक बात और बताई कि नागल जी इसमें आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत ही कहां है, आप तो जो अपना बचा हुआ समय है उसमें इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों उनकी बात जब मैंने सुनने के बाद मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, और उस टाइम पर मैंने डिसीजन लिया कि सर चलो मैं करके इस काम को देखता हूं। और फिर उन्होंने मुझे एक बात और बोली कि नागल जी आप एक काम कर लीजिए, आप अपने जो सीनियर हैं राठौड़ साहब उनसे आप मुलाकात कर लीजिए, आगे की चीजें वो आपको समझाते रहेंगे, और जब तक आप सिस्टम की बातों को मानोगे, सिस्टम की बातों के हिसाब से काम करोगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों मैं जाकर के राठौड़ साहब से मिलता हूं, और राठौड़ साहब से जब मैंने जाकर के मुलाकात की और मैंने जब ये सारी बातें राठौड़ साहब को बताई तो राठौड़ साहब ने मुझसे एक ही चीज पूछी कि नागल जी आपने कैसे बताया लोगों को, घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को? मैंने बोला सर बताने में क्या है, मैंने टेलीफोन पे सबको समझा दिया। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि नागल जी टेलीफोन पे समझाने से कोई समझेगा नहीं, आपको इसके लिए प्लान देनी पड़ेगी, आपको प्लान सीखना पड़ेगा, जब आप लोगों को प्लान समझाओगे तब लोगों को ये बिजनेस समझ में आएगा, सबसे पहले तो आप प्लान देना सीख लीजिए। दोस्तों उसके बाद
मैंने प्लान फोल्डर लिया और सबसे पहले मैंने प्लान देनी सीखी, और साथ में मुझे एक चीज और बताई, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, राठौड़ साहब से मिलने के लिए, उस टाइम पर जो मेरी ड्रेस कोड थी वो फॉर्मल ड्रेस थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कैजुअल ड्रेस थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी थी। आर्मी में थे, जींस की पैंट पहनते थे, टी शर्ट पहन करके घूमते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, राठौड़ साहब ने, कि नागल जी आप इस बिजनेस में आए, अगर आप अपना ड्रेस कोड बढ़िया कर लेते हैं, अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं और लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो एक दिन लोग इस बिजनेस में आना शुरू हो जाएंगे और आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों मुझे कामयाब होना था और मैं डिसीजन ले चुका था इस काम को करने के लिए, इसलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले प्लान सीखा। और जब मैंने प्लान सीख लिया, मुझे आज भी याद है, प्लान सीखने के बाद मैं विशाल मेगा मार्ट में गया और वहां से जाकर के मैं फॉर्मल पैंट लेके आया, शर्ट लेकर के आया, टाई लेकर के आया, फॉर्मल जूते लेकर के आया। टाई मुझे बांधनी नहीं आती थी, मैंने अपने बेटे से टाई बांधनी सीखी, और मैं जब फॉर्मल ड्रेस पहन करके पहली बार प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, मैंने मेरे आर्मी के तीन मित्र थे, उनको संडे के दिन एक के घर के ऊपर जाकर के मैंने तीन लोगों को बुलाया कि आज मैं आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए आ रहा हूं। तो दोपहर को 12 बजे जब मैं उनके घर के ऊपर गया, तो उनके घर के अंदर वो जो तीन लोग बैठे थे, मैंने उनको अपने बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन किया। और जब उनके बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन किया, तो दोस्तों दो लोगों ने तो मुझे मना कर दिया और एक लोग बिजनेस में आने के लिए एग्री हो गया। मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया है, अब मैं इस काम को कर लूंगा। शाम को उस व्यक्ति ने अपने घर मुझे बुलाया, मैं शाम को अपने सीनियर राठौड़ साहब के साथ लेकर के उस व्यक्ति के घर गया। उस व्यक्ति ने बड़ी बढ़िया तरीके से हमारी खातिरदारी की, कॉफी पिलाई, पकोड़े खिलाए, और जब चलने लग गए तो कंपनी के नाम से एक चेक बना करके दे दिया हमें, ये लीजिए। और उन्होंने हमें बोला कि हम भी आपके साथ बिजनेस करते हैं। और जब रात को तो हम खुशी खुशी अपने घर आ गए, लेकिन दोस्तों जब अगले दिन सुबह मैं उस व्यक्ति से मिलता हूं, तो अगले दिन सुबह जैसे उस व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो मैं तो खुशी खुशी कि मेरा ये बिजनेस पार्टनर बन गया, उससे हाथ मिलाने के लिए जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तो दोस्तों उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, उसने सीधा अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे को एक ही सेंटेंस बोला कि मेरा वो चेक कहां है, मेरा चेक वापिस दीजिए, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। और वहां पर मुझे लगा, कल तक जिसको लेकर के इतनी खुशियां आई हुई थी, और कल तक जो आदमी बिजनेस करने के लिए तैयार था, और उस आदमी ने जब मेरे साथ ये किया, उस टाइम पे सच बताता हूं, मुझे एक बार तो इस बिजनेस पे गुस्सा आया, और एक बार उस व्यक्ति पे गुस्सा आया, और तीसरी बार अपने आप पे गुस्सा आया। और उस टाइम पर आज से 8 साल पहले, मुझे आज भी याद है, हमारी यूनिट के अंदर मंदिर था, उसके सामने उस व्यक्ति ने मुझसे चेक वापस लिया था, और 8 साल पहले उस मंदिर के सामने मैंने एक ही कसम खाई थी कि नागल जी अब ये बिजनेस करना है, अब तेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तो तेरे सामने एक ही रास्ता बचा है कि सेफ शॉप को करना है, इस बिजनेस में डायमंड बनना है। और जिस व्यक्ति ने तेरे से चेक वापस लिया है, अपनी मां की कसम, इस आदमी को इस बिजनेस के अंदर लेकर के आना है। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी, उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी। थैंक यू वेरी मच। और उसी दिन शाम से मैंने इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया। मैंने फिर अपने सीनियर को फोन किया, मैंने बोला, सर ऐसे ऐसे उस व्यक्ति ने चेक वापस ले लिया है। सीनियर ने बोला, कोई बात नहीं नागल जी, हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग हैं और उसने एक ने लिया है, कोई बात फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, हम शुरू करते हैं, लोगों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों हम शाम को गए और हमने जाकर के शाम को ही तीन लोगों को प्लान दिखाया, और जब तीन लोगों को प्लान दिखाया, तो दोस्तों दो लोग शाम को ही बिजनेस में शामिल हो गए। उसके बाद लगातार करता गया, थैंक यू वेरी मच, लगातार इस बिजनेस को करता गया। मैं रियल बताता हूं, मैंने कभी भी एक दिन जिस दिन डिसीजन लिया था, उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर तो मैंने एक ही चीज बोली अपनी अपलाइन को, सर आप मुझे सिखाते रहे, आप मुझे समझाते रहे, आप मुझे बताते रहे कि ये बिजनेस कैसे करना है। और मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही बात समझाई कि नागल जी, अगर सिस्टम की बातों को आप मानते रहे, अगर सिस्टम की बातों को आप फॉलो करते रहे, तो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि इस बिजनेस में पहले भी बहुत से लोग, आर्मी पर्सन, स्टूडेंट, बहुत से लोग नौकरी करने वाले
इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं। और नागल जी, उन्होंने भी सिस्टम की बातों को माना, वो कामयाब हो गए। अगर आप भी सिस्टम की बातों को मानते हो तो आप भी कामयाब हो जाओ। डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट।